नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी अद्भुत जड़ी बूटी के बारे में हम आप बताएंगे कि आप जान करके हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जिसे कि हमें पता नहीं होता है। उसके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण हम इसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी ही जड़ी बूटी के बारे में हम बात करेंगे, जिसे कि आप जान करके हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पहले तो आप ध्यान से देख लीजिए और इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए। यह पौधा आपको पूरे भारतवर्ष में हर जगह, चाहे आप गांव में एरिया में रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो, ये अपने आप उगने वाला पौधा है। बरसात के मौसम में ये उगता है और यह बरसात के बाद जैसे मौसम ठंडा होने लगते हैं तो उस टाइम यह फल फूल इसमें निकलने लगते हैं। तो दोस्तों, आप इस पौधे को पहचान लीजिए और जान लीजिए। और दोस्तों, यह सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल यह नेचुरल है। आप इसका फ़ायदा लीजिए, आपके शरीर में बहुत सारी बीमारी को यह दूर करने के लिए यह अद्भुत चमत्कारी औषधि है। दोस्तों, सबसे पहले इसका नाम बता दें, इसका नाम है छोटा धतूरा। जी हाँ दोस्तों, कहीं कहीं इसे घाघरा भी बोलते हैं, कहीं कहीं लटकौवा भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा बचपन में आप इसके जो फल होते हैं ना, इसको तोड़ करके किसी के ऊपर फेंक देंगे ना, तो ये अपने आप चिपक जाता है, चाहे कपड़े में हो या बाल में। तो दोस्तों, इसे इसीलिए लटकौवा भी बोले जाते हैं। तो दोस्तों, आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते हैं, अगर जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए दोस्तों, इसको औषधि गुणों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शरीर में अगर कमजोरी है उसको यह दूर करता है। आपके शरीर में अगर धातु चिंता या सेक्स पावर घट गया है उसको यह बढ़ाता है। या फिर दोस्तों, सर दर्द की समस्या हो या फिर बवासीर की समस्या हो, बवासीर दो प्रकार के होते हैं, या खूनी होते हैं, बादी होते हैं, दोनों के लिए यह उत्तम औषधि है। तो आजकल के समय में बालों का पकना, झड़ना, गंजापन या असमय सफ़ेद होना या बालों का टूटना, दोस्तों बालों से लेकर सारी समस्या दूर करने के लिए यह बेहतरीन औषधि है। दोस्तों, अगर मौसम चेंज होता है ना तो छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि इम्यूनिटी शरीर में कम होने की वजह से यह प्रॉब्लम होता है। इसे दोस्तों, यह आप देख लीजिए, मेरे हाथ में छोटा धतूरा है, अभी पूरी तरह से यह फल बना नहीं है, फूल है, और इसके पत्ते देख लीजिए। तो दोस्तों, चलिए इसके बारे में हम विशेष रूप से और डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसे अंग्रेजी में कॉक लवर भी कहते हैं, घाघरा कहते हैं। ये दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं, कौन कौन से बीमारी में इसका प्रयोग करना चाहिए और किस मात्रा में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बने रहें, क्योंकि पूरी जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, आधा आधा जानकारी अच्छी नहीं होती है, इसलिए दोस्तों उसका फ़ायदा भी आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप ना करें, और अच्छा लगे दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना। एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जैसे कि सर दर्द की समस्या। जी हाँ दोस्तों, अक्सर सर दर्द की समस्या बने रहते हैं, क्योंकि आज के समय में दोस्तों, एक तो पोल्यूशन के वजह से, दूसरा की टेंशन की वजह से बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, सर दर्द बना रहता है। उसके लिए क्या करें दोस्तों, इसके पत्ते को ले आएँ, पत्ते कोमल कोमल ले आएँ और उसको अच्छे से धुल करके उसको पीस करके पेस्ट बना लें और अपने मत्थे पे जो है ना, ललाट पे इसको थोप लें। दोस्तों, 5 मिनट के अंदर आपके जो सर दर्द की समस्या है ना, वो सही हो जाता है। तो दोस्तों, सर दर्द के लिए बहुत बेहतरीन औषधि है, देख लीजिए, यही पत्ता आपको लाना है। और दोस्तों, जैसे कि बाल सफ़ेद होने की समस्या हो जाता है, बाल झड़ने की समस्या हो जाता है या बाल टूटने की, तो दोस्तों उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया ना, इसके पत्ते का पेस्ट बना करके आप बालों में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मेहंदी लगाते हैं ना दोस्तों, उसी तरह इसका पेस्ट आपको सर में लगाना है और सप्ते में एक दिन आप करें। इस तरह से आप अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपको जो बालों की समस्या है ना, बाल पकने की, झड़ने की, गंजेपन की, या बालों में रूसी, डेंड्रफ, जी जैसे बालों से लेकर समस्त बीमारी को यह दूर करता है। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, सप्ताह में एक दिन करना है, तो आप देखेंगे 1 महीना के अंदर आपके जो
पके हुए बाल हैं ना वो काले होने लगते हैं, बाल जहाँ झड़ गया हो वहाँ धीरे धीरे बाल अपने आप उगने लगते हैं। तो दोस्तों जैसे बालों में डैंड्रफ हो और आपके बाल सुंदर चमकीले और स्ट्रॉन्ग बनता है। दोस्तों अगले फायदे की बात करते हैं, जैसे कि बवासीर। जी हाँ दोस्तों, बवासीर दो तरह के होते हैं, या खूनी होते हैं और बादी होते हैं। दोनों ही कष्टदायक होते हैं। खूनी में तो दोस्तों बहुत जल्दी शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि जो लेटरिन के साथ इसमें ब्लड भी आता है। तो दोस्तों उसको दूर करने के लिए बहुत तो इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके में एक बहुत साधारण सा प्रयोग है, बहुत आसान प्रयोग है। आपके घर के आसपास ये पौधा मिल जाएगा, आप ले आइए एक पत्ता और उसका रस निकालिए। 4 से 5 बूंद इसका रस निकाल करके एक कटोरी दही के साथ इसको मिक्स करके आप इसका सेवन करें। दोस्तों आपके जो बादी हो या खूनी हो, दोनों में यह बहुत अच्छा काम करता है। ये आपको सुबह शाम करें, आपकी जो बवासीर की समस्या है ना वो सही हो जाता है। तो दोस्तों गोखरू का जो ये जो छोटा धतूरा का पत्ता है ना, बहुत अच्छा काम करता है, खास करके बवासीर के लिए। दोस्तों अगले फायदे करें, जैसे मौसम चेंज होता है तो दोस्तों सर्दी खांसी की समस्या बनी रहती है। किसी का सर दर्द की समस्या, या किसी को सर्दी की समस्या, या खांसी की समस्या, तो दोस्तों उसके लिए आप सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करें, इसके पत्ते को ले आएँ और उसको छांव में सुखाना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको छांव में सुखा करके और अच्छी तरह इसको पीस लें। पीस करके पाउडर बना करके आप किसी भी बोतल में या कंटेनर में इसको स्टोर कर लें। कभी भी सर्दी खांसी जैसी, या मौसम चेंज होने के बाद, बरसात के बाद, गर्मी गर्मी ठंडी से वजह से ये प्रॉब्लम आता है। क्यों दोस्तों? यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से सर्दी खांसी और छोटे मोटे इन्फेक्शन ये वायरल टाइप से होते रहते हैं। तो दोस्तों आप क्या करें, इसका 1 चम्मच पाउडर लें और 1 गिलास दूध लें, और रात में सोते समय 1 चम्मच उसमें डाल करके आप उसको पी जाएं। दोस्तों आपको यूनिटी को यह मजबूत बनाता है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसके वजह से छोटी मोटी जो इन्फेक्शन होता है, सर्दी खांसी जुकाम, इस सबसे आपको बचाता है। तो अगले फायदे की बात करें, जैसे कमजोरी। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में खान पान या फिर रहन सहन, लाइफ स्टाइल इतना व्यस्त हो चुका है, इतना जटिल हो चुका है कि वह अपने शरीर में सही पोषक तत्व नहीं मिल पाता है सही से खान पान के वजह से। तो दोस्तों उस चीज़ को, जैसे कमजोरी आ जाता है शरीर में, थका थका या कहीं चलने फिरने का मन नहीं करता है, कोई काम में मन नहीं लगता है, सर दर्द बना रहता है, शरीर दर्द करते रहता है, और खाने पीने का भी इच्छा नहीं करता है, तो ऐसे में आप क्या कर, या फिर दोस्तों शरीर में जैसे अनहोनी ताकत की कमी हो जाता है, जैसे कि शुक्राणु कमी हो जाता, धातु का पतलापन हो जाता है, स्वप्न दोष, बहुत सारे ऐसे अनहोनी ताकत की समस्या ये पुरुषों में अक्सर में आप देखने को मिल जाता है। लेकिन ऐसी बातें होती हैं ना दोस्तों, ये किसी से शेयर भी नहीं किया जा सकता है, अंदर ही अंदर उसको प्रॉब्लम से झेलते रहते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको एक नुस्खा बताएंगे, आप इसको प्रयोग करें, अब बिल्कुल आसान है और आप आराम से कर सकते हैं। उसके लिए क्या करें दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, इसके पत्ते को ले आएँ और इसको छांव में सुखा करके, धुल लें पहले, और छांव में सुखा करके इसका पाउडर बना करके आप किसी कंटेनर में रख लें, बोतल में रख लें, डब्बा में रख लें। इसके बाद 1 चम्मच, ध्यान से सुनिए दोस्तों, 1 चम्मच इसका पाउडर लें और 1 चम्मच मिश्री, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके 1 गिलास दूध के साथ रात में सोने से आधा घंटा पहले आप इसको पी लें, इसके बाद सो जाएं। दोस्तों इस तरह से आप डेली करें, इस तरह से आप 10 से 15 दिन करें, दोस्तों आपके शरीर में एक गजब की शक्ति आएगा और आपकी जो धातु का और नपुंसकता की जो समस्या है ना, यह धीरे धीरे जड़ से खत्म कर देगा। बहुत बेहतरीन और दिव्य औषधि है। तो दोस्तों आप इसका ज़रूर प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। छोटा धतूरा ये बहुत ही फायदेमंद औषधि है, लेकिन दोस्तों नहीं जानकारी के अभाव में लोग इसे नहीं समझ जानते हैं और इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में जानकारी दे दें, और इसके तो दोस्तों इसके तो बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे ऐसे इसके औषधि गुण के हैं। तो दोस्तों एक वीडियो में बताना थोड़ा संभव नहीं होता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप ही लोग बोलते हैं कि बहुत लंबी वीडियो हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए इसका आप प्रयोग करिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आपके एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसके वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते हैं।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।